हमारा 2 महीने का रिज़ल्ट, 3 महीने का रिज़ल्ट, 4 महीने का रिज़ल्ट, 5 महीने का रिज़ल्ट, 6 महीने का रिज़ल्ट, अभी थिकनेस नहीं आ रही, खुद ही चेक करना चाह रहे हैं तो आप उल्टे हाथ के साथ इसको यहाँ पे ऐसे लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उन लोगों के लिए जो हेयर ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं। ये स्पेशली वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शॉर्ट सी वीडियो में आज मैं आपको बताऊँगा कि बहुत से लोगों के मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज आते हैं कि हमारा 2 महीने का रिज़ल्ट, 3 महीने का रिज़ल्ट, 4 महीने का रिज़ल्ट, 5 महीने का रिज़ल्ट, 6 महीने का रिज़ल्ट, अभी थिकनेस नहीं आ रही है, जो हमारे ग्राफ्ट हैं या हेयर हैं वो हमारे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। हम बहुत से लोगों को अपना सर दिखाते हैं लेकिन उनको नज़र नहीं आ रहा कि जो बाल हैं वो ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप डॉक्टर की लैंग्वेज में पूछेंगे, डॉक्टर से पूछेंगे तो वो आपको बोलेगा मिनिमम 9 महीने और मैक्सिमम 1 साल। ये आपका जो रिज़ल्ट है जो 7 से 9 महीने होते हैं, 7, 8 और 9, इसमें बहुत ज़्यादा बालों की ग्रोथ होती है। तकरीबन 40% आपकी बालों की ग्रोथ होती है और 4 महीने में तकरीबन आपका 30% और 5 महीने में आपका जो रिज़ल्ट है वो 50% आता है और 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा 60% तक आपका रिज़ल्ट आ चुका होता है। लेकिन कुछ लोगों का रिज़ल्ट है वो लेट स्टार्ट होता है, उनकी स्किन हार्ड होती है, कुछ लोगों की जो ब्लड की सप्लाई है वो लेट शुरू होती है, इस वजह से भी रिज़ल्ट लेट आता है। 15-20 दिन या महीने का जो डिफरेंस होता है वो हो सकता है बाकी लोगों की नस्बत। इसलिए आप किसी को अपने के साथ कंपेयर ना करें। जो आपके ग्राफ लग चुके हैं, आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है, आपका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा और चाहे वीक आए चाहे अच्छा आए लेकिन रिज़ल्ट आपका ज़रूर आना है। डिपेंड ऑन डोनर एरिया, जैसा आपका डोनर एरिया होगा वैसा आपका रिज़ल्ट आएगा। जो सबसे पहले मेरी जो वीडियोस हैं इस चैनल पे, सबसे पहली, दूसरी, तीसरी, वो आप देख सकते हैं। वहाँ पे जाके जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो 5 मंथ जो मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को हो चुके थे, तो इस फिर मैंने चैनल जो है ये स्टार्ट किया था। तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं जाके। मेरा 5 महीने का भी रिज़ल्ट है इस चैनल पे, 6 महीने का भी रिज़ल्ट है, 7 महीने का भी रिज़ल्ट है, 8 महीने का भी, 9 महीने का, 10 महीने का, डिफरेंट मेरे रिज़ल्ट्स पड़े हुए हैं इस चैनल पे। हेयर ग्रोथ का जो शेड्यूल है वो देख सकते हैं, ये इस तरह चार्ट उन्होंने दिया हुआ, डिफरेंट चार्ट्स दिए हुए हैं हेयर ग्रोथ के हवाले से, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। जिनकी स्किन सॉफ्ट होगी उनका रिज़ल्ट जल्दी आता है, जिनकी स्किन हार्ड होती है उनका रिज़ल्ट लेट आता है क्योंकि उनका जो ब्लड की सप्लाई है वो लेट शुरू होती है। तो इसलिए इस पे आप परेशान ना हो और कि हमारा रिज़ल्ट नहीं आ रहा, हमारा हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 2 महीने या 2.5 महीने या 3 महीने के बाद अगर आप बालों को चेक करना चाह रहे हैं कि मेरे जो ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, तो वो आप किसी को चेक करवाएंगे, अपने किसी फैमिली मेम्बर को भी, तो वो नज़र नहीं आते। जो आपके ग्राफ हैं उनके, क्योंकि वो शेडिंग फेस होता है, जो आपके ग्राफ होते हैं वो गिर चुके होते हैं, जो उनके रूट्स होते हैं वो स्किन के अंदर होते हैं। अगर आप खुद ही चेक करना चाह रहे हैं तो आप उल्टे हाथ के साथ इसको यहाँ पर ऐसे लगाएँगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको चुभन होगी, आपको पता चल जाएगा जो मेरे ग्राफ हैं वो ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये तकरीबन 5-6 महीने तक आप इस तरह अगर हाथ लगाते रहेंगे, उल्टा हाथ आप लगाते रहेंगे तो आपको चुभन होगी बालों की। इसका ये होता है कि आपके बालों की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो चुकी है या स्टार्ट हो रही है या स्टार्ट हो चुकी है या स्टार्ट हो रही है, इस तरह आपको पता चल सकता है। अगर आप किसी को वैसे दिखाएंगे तो वो वैसे ग्राफ जो होते हैं वो नज़र नहीं आते क्योंकि उनके जो रूट्स हैं वो स्किन के अंदर है, ऊपर से शेडिंग फेस की वजह से वो सारे ग्राफ आपका गिर चुके होते हैं।